हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? और आजकल का मौसम कैसा है? बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम है, बारिश का मौसम है, या गर्मी का मौसम है? और ये वसंत का मौसम तो नहीं है ना? क्या ये वसंत का मौसम है? तो आप सब बच्चे भी सोच रहे होंगे कि आज मैंने क्लास शुरू करते करते ये मौसम के बारे में बात क्यों की है। तो इसका एक संबंध है आज के लेक्चर से, आज के लेक्चर के साथ में इसका बड़ा प्यारा संबंध है, क्योंकि आज के दिन, आज के लेक्चर में मैं आप सब लोगों को एक कविता पढ़ करके बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में समझाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है आया वसंत। और ये DAV स्कूल के जो बच्चे 6th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए है। उनका ये चैप्टर नंबर 20 है, जिस कविता का नाम है आया वसंत, और इस कविता के लेखक हैं सोहन लाल द्विवेदी जी, है ना? तो ठीक है, हम सब लोग आज वसंत ऋतु की बातें करेंगे। तो मैंने जो मौसम के नाम लिए, जाड़े का मौसम, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम, तो ये ऐसा मौसम होता है ना कि जहाँ पर लोग कभी ना कभी ज़्यादा ठंड पड़ने से भी ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो भी लोग परेशान हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा बारिश हो तो भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन दो ऋतुएं हैं, एक वसंत ऋतु और हेमंत ऋतु, जिससे लोग परेशान नहीं होते। वसंत ऋतु का समय होता है वो समय जब जाड़ा खत्म हो रहा होता है और गर्मी के आने में थोड़ी देर होती है, और हेमंत ऋतु का समय वो समय होता है जब बारिश खत्म हो रही होती है और जाड़े के मौसम में आने में थोड़ी सी देर होती है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि हेमंत ऋतु है सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर के समय का, और वसंत ऋतु है फरवरी मार्च के बीच का समय। ये दोनों ऋतुएं जो हैं, वसंत ऋतु, इसके लिए भी आप 45 डेज रख सकते हो, और हेमंत ऋतु के लिए भी 45 डेज रख सकते हैं। तो 90 दिन तो ये हो गए ना, 3 महीने ये हो गए, बाकी जाड़ा आपका हो गया 3 महीने के लिए, गर्मी भी 3 महीने के लिए, और बारिश भी 3 महीने के लिए। तो यहाँ हम लोग वसंत ऋतु की बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि लोग जाड़े की वजह से, ज़्यादा ठंड लगने की वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं वो, और वो चाहते हैं कि जल्दी से मौसम बदले और वसंत ऋतु आए, तो लोग जरा सा धूप में बाहर टहलें, पुरवैया हवा का मजा लें, सरसों के खेत का, उनके आसपास में जो फूलों की क्यारी है उसमें जो सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, भौंरे मंडरा रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, कोयल गा रही है, इन सब चीज़ों का आनंद उठाएं। तो ठीक है बच्चों, तो ये कविता शुरू करते हैं। इसकी पहली लाइन है, आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत। तो मैं एक बार जरा सा इसमें जो कुछ नए शब्द इस्तेमाल हुए हैं उस कविता में, उसकी भी चर्चा करना चाहूँगा, जो आपके इस चैप्टर के नीचे भी लिखा है। शोभा, शोभा का मतलब है सुंदरता। अनंत, अनंत का मतलब है अंतहीन, जिसका अंत ना हो, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। सुगंध, सुगंध का मतलब है खुशबू, फ्रेग्रेंस। दिग दिगंत का मतलब यहाँ पर है समस्त दिशाएं, ऑल डायरेक्शंस। और आखिरी है कोकिला, तो कोकिला का मतलब होता है कोयल। कुकू, CUCK00, कुकू। ओके, तो पहला शब्द इसमें से जो है वो है शोभा, सुंदरता, ब्यूटीफुलनेस। तो कवि कहते हैं कि आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत, कि वसंत ऋतु आ गई है तो अब हमारे संसार में, हमारे आसपास में बहुत ज़्यादा सुंदरता फैलने वाली है, और इतनी ज़्यादा सुंदरता फैलने वाली है जिसका कोई अंत ही ना हो। अब आगे कवि बताएंगे कि ये जो इतनी ज़्यादा सुंदरता फैलने वाली है, अनंत सुंदरता की बात उन्होंने की है जो कभी खत्म ही ना हो, तो उस सुंदरता के कारक क्या क्या हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस वजह से ये सुंदरता वसंत ऋतु में हम सब लोगों को दिखाई देती है। तो कवि आगे लिखते हैं कि सरसों के खेतों में उठी फूल, बौरें आमों में उठी झूल, बेलों में फूले नए फूल, पल में पतझर का हुआ अंत, आया वसंत। तो क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि सरसों के खेत में फूल उग जाएंगे, और सरसों के खेत में फूल उग गए हैं, आम के पेड़ में बौर मंजर आ रहा है, और बेलों में फूले नए फूल, बहुत सारे बेल जो लतर लताएं होती हैं,
उसमें नए नए फूल उगते हैं। पल में पतझर का हुआ अंत, आया वसंत आया वसंत। तो इस ऋतु में, इस मौसम में ऐसा होता है कि अगर हमारे आसपास में खेत खलिहान हैं तो खेतों में आपको दिखेगा कि सरसों के खेत में पीले पीले फूल लगे हुए हैं और लहलहा रहे हैं। बहुत ही सुंदर छटा होती है, बहुत सुंदर दृश्य होता है जब सरसों के खेतों में फूल उग जाते हैं तो। और अगर आपके आसपास में आम के बगान हो तो आप ये भी देख सकते हो कि आम के पेड़ में बौर मंजर आ गए हैं, और इस मंजर की एक तरह की खुशबू होती है। इस पर आप मधुमक्खियों को, भौरों को मंडराता हुआ भी देख सकते हैं। वो क्यों मंडराते हैं? क्योंकि वो इसी में से रस चूस करके भौरे मधुमक्खियाँ शहद बनाते हैं। साथ में ये भी लिखा है कि बेलों में फूले नए फूल, पल भर में पतझर का वांद। तो जब जाड़ा अपने एक्सट्रीम पर होता है, चरम पर होता है, तो बहुत सारे पेड़ों में पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम लोग पतझर कहते हैं। और जैसे ही ये पतझर का मौसम खत्म होता है तो पेड़ों में नए नए पत्ते निकलने शुरू होते हैं, बड़े सुंदर नरम मुलायम हरे हरे पत्ते। तो यही कह रहे हैं कवि कि देखिए, अब पतझर का अंत हुआ, पेड़ों में पौधों में जो पत्तियां झड़ने की बात हो रही थी वो अब खत्म हो रही है, तो अब वसंत ऋतु बस आ ही गई, आ गई है। आगे कवि कहते हैं कि लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है बन बन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिग दिगंत, आया वसंत आया वसंत। तो कवि कहते हैं कि अभी वसंत ऋतु में जो हवा बह रही होती है उसमें एक खुशबू होती है। किस चीज़ की खुशबू होती है? तो आमतौर पर जो हवा बहती है, इनका संपर्क हवा में जो खुशबू होगी, ठंडक होगी, ये किस वजह से होगी? अगर आसपास में पेड़ पौधे हैं, फूलों का फल का बगीचा है, उसकी वजह से, या आसपास में नदी है तालाब है, तो इसकी वजह से। अगर नदी तालाब में किसी भी तरह की सड़ांध है तो हवा में भी उसकी महक हो सकती है, बदबू हो सकती है। और नदी तालाब का पानी अगर स्वच्छ है तो उसकी वजह से हवा साफ और निर्मल भी हो सकती है। और अगर आसपास में फूल के पौधों का बगीचा हो, फलों का बगान हो, तो उसमें जो मंजर आते हैं, फलों की बात होती है, नए नए पत्ते निकलते हैं, नए नए फूल खिलते हैं, तो उसकी एक खुशबू होती है इस हवा में, जो बसंती हवा होती है, बसंत ऋतु में बहती है। और कवि कहते हैं कि हरियाली छाई है बन बन, बन का मतलब है जंगल। तो हर जंगल में जहाँ भी पेड़ पौधे हैं वहाँ पर हरियाली छाई है, चूँकि नए नए पत्ते निकले हैं। और इसी वजह से हम सब लोगों का घर आंगन, खेत खलिहान भी बहुत सुंदर लगता है। और वो कहते हैं कवि कि मधुर सब दिग दिगंत, समस्त दिशाएं, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सब दिशाओं में बड़ी सुंदरता सी फैली है, बड़ा मधुर, बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ लग रहा है। और आया वसंत आया वसंत। अब देखते हैं कि आखिरी पैराग्राफ में अपने कवि सोहनलाल द्विवेदी जी वसंत ऋतु की लिए क्या उपमा देते हैं, कैसे तारीफ करते हैं, कैसे इसकी व्याख्या करते हैं कि और क्या क्या होता है वसंत ऋतु में। तो वो कहते हैं कि भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहू तान, है सब जीवों का सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत, आया वसंत आया वसंत। तो आखिरी पैराग्राफ में कवि कहते हैं कि इस मौसम में भौरे, मैंने पहले भी बताया ना कि आम के पेड़ पर जो बौर उगते हैं, जो मंजर होते हैं, या फूलों के बगीचे में जो फूल होते हैं, इन दोनों जगहों पर आपको काफ़ी सारे भौंरे और मधुमक्खियां उड़ते हुए नजर आएंगे। और ये जब उड़ रहे होते हैं तो इनके पंखों की फड़फड़ाहट से एक तरह की एक तरह की गूंज सुनाई देती है। इस गूंज का अंदाज़ा लगाना हो तो एक प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम, वो भी इसी से ही आया है। भ्रमर का मतलब होता है भौंरा, और ये भ्रामरी प्राणायाम ये रामदेव जी बताते हैं। उसमें भी कुछ ऐसी ही बात होती है कि जो लोग प्राणायाम कर रहे होते हैं वो अपने कान को नाक को बंद करके मन के अंदर मस्तिष्क में ही एक आवाज़ करते हैं, जो भौंरे की आवाज़ से ही प्रेरित है, इसीलिए उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो कवि कहते हैं कि ये जो भौंरे मधुमक्खियाँ हर जगह पर फूलों पर मंजर पर मंडरा रही होती हैं, तो एक अलग ही गुंजन, एक नया संगीत वहाँ सुनाई देता है। इसी मौसम में हमें
कोयल की कुहू कुहू की भी आवाज़ सुनाई देती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब कोयल एक बार कुहू बोलती है, कुहू बोलती है, तो वो बस बोलती चली जाती है जब तक उसको कोई डिस्टरबेंस ना महसूस हो। तो आगे कहते हैं कवि कि है सब जीवों का सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत, आया वसंत आया वसंत। तो ये एक ऐसा मौसम है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, ठंड खत्म हो रही होती है, खत्म हो चुकी होती है, और अभी गर्मी का आना बाकी होता है, आने को होता है। तो मौसम बड़ा सुहावना होता है और सब लोगों को बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जानवर हों, मनुष्य हों। इसीलिए कवि महोदय लिखते हैं कि है सब जीवों का सुखी प्राण। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो सुख की अवस्था है वसंत ऋतु में, मौसम की ये जो अवस्था है, चारों तरफ जो सुंदरता है और मौसम का ये हाल है जो बड़ा सुटेबल है, जिसमें न ज़्यादा गर्मी लगती है न ज़्यादा ठंड लगती है, वो चाहते हैं कि यही सुख हमेशा के लिए बना रहे। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस सुख का हो अब नहीं अंत, आया वसंत और इसके साथ ही आपकी ये कविता यहाँ पर खत्म होती है। तो कवि की भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है और मुझे लगता है आप सब बच्चों की भी इच्छा रहती होगी कि वसंत ऋतु आए तो खत्म ही ना हो। और सब के सब इस ऋतु का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, चूंकि ठंड से, जाड़े के मौसम से, उसकी कपकपाहट से, घर में दुब के रहने वाली पीड़ा से सब के सब लोग बाहर निकलना चाहते हैं, खुशी मनाना चाहते हैं। और आप सब बच्चों को याद दिला दूं कि इसी वसंत को लेकर के हम लोग के यहाँ सरस्वती पूजा का त्यौहार भी होता है, जिसे हम लोग बसंत पंचमी के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जब बसंत ऋतु शुरू होती है उसका जो 5वां दिन होता है, दैट इज वसंत पंचमी। तो आज के आज, अभी के अभी आप सब लोग अपने अपने कैलेंडर में देख लो, झांक लो कि आपके यहाँ वसंत ऋतु कब शुरू होने वाली है ना। और वसंत पंचमी की तारीख तो मैं 2021 की अभी के अभी बता दे रहा हूँ, ये है 16 फरवरी को। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 10 फरवरी, 11 फरवरी से वसंत ऋतु शुरू होने वाली है। तो आप सब बच्चों को वसंत पंचमी की, सरस्वती पूजा की और वसंत ऋतु के आनंद, इसके शुरुआत होने की शुभकामनाएं। आप इसमें खुशी से शरीक हों, आपका दिन अच्छा गुजरे, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। आप सब लोगों को वसंत ऋतु की शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं ये चैप्टर यहाँ पर क्लोज करता हूँ। आगे चल करके मैं इसका एक फॉलो अप लेक्चर सेशन रखूँगा, जिसमें मैं आप सबको बताऊँगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कैसे कैसे सॉल्व करना है और मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, यूट्यूब चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। आप इसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस पर आगे चल करके भी आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं। बाकी मेरी आप सब बच्चों से एक अपेक्षा रहेगी कि आप इस कविता का सस्वर थोड़ा सा सुर में पाठ करके, रिकॉर्ड करके भी मुझे भेज सकते हैं और मुझे आप सब बच्चों से इंतज़ार रहेगा। ठीक है, हैप्पी लर्निंग, अच्छे से पढ़ाई करें। हम लोग फिर मिलते हैं, शुभ विदा।